हेलो ये कहाँ गए समस्तपुर वाली कहाँ गलिए मुर्ताबा वाली मालिक अपने को बोल भैया ए छपुर वाली हेलो टावर बहुत टावर बहुत एयरटेल के टावर बहुत गड़बड़ चल रहा है हेलो काट देते हैं लेकिन मलकिन ए मलकिन हम बोले छी हम दरबारी अपने के अरे अपने के हम दरबारी बोले छी यौ ना हेलो मारे आहा मलकिन काट दे छे अरे खुश रहो हम देर लगाई छी तुम नहीं सुधरेगा क्या कहा ए तुम ऐसे बोला है तू तो बोला कि मैं आपको देवर लगता हूँ ऐसे कहो नहीं रे तुम बुर्बक कैसे रहेगा ठीक है तुम साइड हो जाओ बैठो स्वामी जी की चरणों में करती हूँ प्रणाम तो स्वामी जी की चरणों में करती हूँ प्रणाम खुश मनी से दीजिए स्वामी मुझे आशीर्वाद खुशी मन से देता हूँ तेरी तुझको मैं आशीष महाराज हाँ बोलिए पंडित आज बहुत खुशी की बात है क्या बात थी आज 12 बरस पर भाई गोपी चंद तुम्हारे भैया क्या हमारे साले साहब आज आए हैं चलो उनसे मुलाकात करो और जल्दी से खाना उमला का व्यवस्था करो क्या मुझे भैया है हाँ हाँ है कहाँ दरवाजे पर बैठे हुए ठीक है चलिए मैं चलने की मैं तैयार हूँ चलिए यही है बैठे हुए भाई साहब बताइए आप भी उनको भाई को नहीं पहचानते हैं क्या क्या हम नहीं पहचानते हैं हाँ तो क्या हम तो पहचानते ही हैं आपको बुझा रहा है कि आप दिमाग खराब हो गया है अब लो ये उल्टे हम ही को कह रहा है कि दिमाग खराब है ये दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है अरे बताइए कोई अगर दरवाजे पर आ जाएगा भाट फकीर तो सब मुझे भाइयो हो जाएगा अरे उनको भाट फकीर तुम समझती हो क्या ये कौन है अरे भैया गोपी चंद है मैं इसे नहीं पहचानती मेरा भाई नहीं है मुझे भाई आता था हाथी हंसार घोड़ा घुड़सार लेके आते थे डाला भर आगे डाला भर पीछे सब आगे की हते Yeah.
रानी मैना पाती के लागई बहन के कहिया जगे नरमा के गोपी जतहा। क्या तुम्हें घर जी कह रहा है झूनापुर से है? हाँ बहन। और पिताजी के नाम? राजा तिलक चंद। और माँ की नाम? रानी मैनावती। इसे दिमाग खराब हो गया है। चलिए द्वारपाल। हाँ बोलो। हाले चैत्रा चैती छठ जे भले चैती छठ। हाँ हाले ना अपने का भाई की कहे किसे ठेकुआ पर केला लेकर आयल ना। ठकुआ पर केला लेके आया? लेकर के ना। अरे प्रसादी लोग लेके आते हैं, नारियल लाता है, केला रहता है, ठकुआ रहता है, नियोरा नीमू। हाँ वह दिया कलिया। ये कहाँ ना कहाँ से बताइए तो चला ला। अच्छा तुम ही बताओ, ये कह रहा है कि मुझे घर है झूनापुर शहर, पिताजी के नाम तिलक चंद्र है, अगर कोई भी दरवाजे पर जाएगा बहन के और भाई के नाता चाहे माँ के नाता नहीं रखेगा भिक्षा मिलेगा? ना ना मलकिनी, इसलिए मुझे ये बहन बहन कर रही है जो है ना। हाँ माने के मांगे के भीख अपादे के भीख। ऐसा करो जो चलता है बनता ही है, इसे दान में दे दो। सुनो बहन, अगर तुम्हें इस वैसे शक होता है मैं तुम्हारा भी नाम बता सकता हूँ। क्या मुझे भी नाम? क्यों नहीं, ठीक ही बताओ तो। आज तोहरो के ये तो के भाई बही ये बात बताओ, ये सारी बात तुम्हें कौन बताया है मुझको बारे में? चौक पर ये बात बताओ मरकेली, एकरा कॉलेज देख लिए हम दारू के दुकान पर। दारू के दुकान तब वही पता लग लगा जरूर। दारू के दुकान पर मुझको सब पता लोग जानते होंगे। पूरा पता आ के जल्दी चलता था ये चलते पूछ लिया होगा और घर आके सब बात बता रहे कि नहीं तो मुझे भाई मानेगा, इसे मानदान होगा। सुनो तुमको भिक्षा चाहिए? हाँ लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक बात नहीं बहन, दो बात पूछ सकती हूँ। सुनो मैं पूछ रही हूँ। जेठा ये मा
क्या बहन ये बात बताओ कि कौन महीना में मुझे शादी हुआ और कौन महीना में मुझे गबना हुआ और कौन कौन सामान मुझे भैया ने दिए और क्या लिखा हुआ था यह बात तो पूछ भाई कि कै लाख घोड़ा ले रहा कै लाख हाथी ले रहा आ कै लाख बराती ले रहा हमरा हमरा आज सारा लाख ले आई घोड़ा बहिनिया के आज झुनापुर में भैया मोरा हाथी अलने जो दिया अरे भैया मोरा हाथी अलने जो दिया अरे किया जब नम मर निकला सुनो बहन तुम्हारे शादी में सवा लाख घोड़ा और अढ़ाई लाख हाथी अच्छा और 3 लाख बराती आए थे अच्छा और सुनना चाहती हो कहो ना तुम्हें दहेज में क्या क्या मिला था क्या क्या मिला था बोलो आज दोनों कान के आई सोनमा बहिनिया के बोलो मैं सुन रही हूँ बताओ हाँ कि मुझे दहेज में और मुझे बर बिछावन में क्या क्या दिए भैया और पलंग पर क्या चीज लिखा हुआ था बोलो सुनो बहन हाँ तुम्हें सोने का पलंग मिला था अच्छा और उसमें दहेज के नाम लिख के ये चंपापुर में भेजा गया था अच्छा और तुम्हारे एक चीज और दिया गया था क्या बोलो भाई याद है बहन बोलो ना क्या बात है बोलो आज खोईठा में आई बलिया बहिनिया आज दुनिया आई नौरिनिया बहिनिया दुनिया नहर दुनिया
बहनी के सदा भेदा मागे बहनी के दलिया पर बता नगे के आहार दही जब आज नियूर जो किया आरे तू जमा आ भैयरी जे हमर आरे तू जमा आ भैयरी हमर आ दही चिनियाई कोन दिया झूठे ऐसा करो कि तुम्हें भिक्षा चाहिए तो भिक्षा लो और यहाँ से जल्दी से तुम निकल जाओ आगे सात तरह से तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ बहन, तुम तो धीरे धीरे कहां से कहां बढ़ते आ रहा है बताओ। पहले बहन के नाता लगा रहा है, उसको बाद तुम्हें भोजन चाहिए। कुछ दिन के बाद कहेगा मुझे यहाँ रहने दो, ऐसा करती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ से भागो नहीं तो मारते। आखिर बताइए, देखिए अपने कहना पहले तो भाई बहन के ओकरा बाद भोजन आ ओकरा बाद कहीं आरो कुछ कह सकल ह आज पानी भी नहीं आई का धावा बहिनिया के आज भैया के आई आशिखा लौ बहिनिया के Oh,
जोरे तू समना आरे हमरो जमा नजरिया तू समने आरे हमरो जमा नजरिया तू समने अरे चुता नहीं चिना बिरे तो हरा के छुचिया के जलमल सब दिन तू हमरा दरबार में रह छी आई बाबा जी आल गए तोर फरदा रह के ए बात बता दरबारी जब तू एकर फरदा रह ई बाबा जी के जो फसल कला है ए खरा खरा आज नहीं जावा भैया के बहनिया के बहन ये तो कुछ नहीं है, अगर भला चाहते हो तो जल्दी से तुम मुझे दरबार से भाग जाओ, जब मैं तुम्हें जिंदा में चला दूंगी यहाँ पर। मैं बहन दरबारी तुम्हारे दरवाजे पे जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पांच मुट्ठी भिक्षा लूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं जा सकता। माले हम तो यहाँ के चिन्ह छी, तो डर लगे मलकी नहीं अरे हमरा मुंह पर हमरा सन आ हुनका मुंह पर हुनका सन, जल्दी से भगाओ भगाओ दरवाजे पर से। अरे सुनी धरा उसे क्या कह रहा है तू, तुम तो कह रहा है कि एकदम नहीं जाना दरवाजे पर से, अगर नहीं जाता है ना तो तीनों को उसी में मैं फूंक दूंगी। क्रिया खाता खाओ का क्रिया ए उतार भैंसी का चुतार जे क्रिया खिया में से निपुता। अरे एक और क्रिया हुआ रे हे उतार भैंसी के चुतार। ए सुनो दरबारी इधर जल्दी से इसे कहो यहां से भाग जाने के लिए, न मैं जिंदा इसे जला दूंगी। जल्दी भाग ले ताले न ले ताले न जाए आगे चल दी आगे सुंदर अब
भोजन के मुझे जल्दी भोजन करो ए दरबारी, क्या करूं मैं इसे इतना मार मारी हूं, थेथर लिखा मुझे बहन बहन कह रहा है। इसे ऐसा करो कि जाओ खुद्दी चुन्नी की रोटी और बुचकन कटिया में पानी इसे दे दो, ये अपन खा लेगा और चला जाएगा यहां से। बहन हाँ, कभी नहीं भूल सकता हूँ। नहीं भूल सकता हूँ, तू मेरी बहन है, तू बहन है। ए अभी तक भोजन भी नहीं बना है घर में, ऐसा करो कि मैं अगर तुम भोजन करेगा ना। हाँ सुनो, मैं कह रहा हूँ भागना जाएगा भी उसे बराबर निर्दली है। आज तो चूरा भोजन मार जो दिया कही चूरा भोजन बापिया, कही चूरा भोजन बापिया, मिट्टी कई पैगे कही दिल के जाना। बहन हाँ बोलो, जल्द करो। अरे अभी तो खाना नहीं बना है और तुम हल्ला कर रहे खाना के लिए, तुम जाता है कि नहीं? मुझे क्यों माता के दर्द नहीं हुआ? तुम्हें तो कही है दही चूड़ा भोजन करो। अरे तभी तो लेट है, अति बन ले फतार ताल तरकारी खबर हवे भात दाल बड़ा बोली जाए ना मलकिनी। हम जे एक बात कहू, हम जे जन्म ले लिए रा, जन्म ले लिए ना, तो हमारे माए जो है से कोठी तर में घुसा दे आ साला, उन्ने से वो झिंगुर जलाई ना, तो हमरा ले लिए जा दे कोई से तो सर लगई छ। दरबारी तुम जब ये जन्म हुआ था तो जन्म होने के बाद तुमको मारे कोठी के तर में तुमको घुसा दिया, क्यों? वो जानू कोनो काम कर चल गए कि तू अपने घुस कर घुस चल गया था, लेकिन जनाई तरी हम देखाई तो रही। ओ ये बात है, ठीक है चलो इसे खाना लाओ। हाँ अरे ये क्या बात है, ये तो खाना या इनको लिए और तू खा रहा है, भूख लगे तो तू खाएगा।
कैसा बेहुदा जूठा खाएगा रे हूँ। तुम्हें भूख लगा हुआ है ना? हाँ पर आज तुमको खाना दे दूंगा तो चले जाएगा। हाँ 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 नवरी सुनो, जा जल्दी से खुद्दी चुन्नी की रोटी और पुचकट कटिया में पानी इसे दे दो और ये खा लेगा और जल्दी से यहाँ चला जाएगा, ठीक है? और मैं जा रही हूँ महल में। सुनिए मलकिनी, आप बोलो, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं मलकिनी। क्या गलत है? आप यह गलत कर रहे हैं कि आप पहचानने में उनको भटक रहे हैं मलकिनी। आप सही से देख कर देखिए, वो आपके भाई लगते हैं मलकिनी। ए, तुम मुझे दरबार में नौकरी कर रही हो, ये बात तो है मलकिनी। मैं जैसे कहूंगी वैसे तुमको करना है, ठीक है मलकिनी? वो कौन है नहीं है मैं उसे नहीं जानती हूँ। पानी जब पी से मुताने मुकले बकरी के। अरे ये बकरी के मुताने का पानी वक्त है, ऐसा करो जब प्याज से निकाल दो। अच्छा प्याज से निकाल दो, अब तुम जानेगा। ठीक है तुम जाओ जल्दी से। सुनिए गुरुदेव, हाँ ये आपके लिए, आपकी बहन ने चुन्नी खुन्नी की रोटी और बुचकट में पानी भेज दिया गुरुदेव। चुन्नी खुन्नी की रोटी है? हाँ गुरुदेव। ठीक है रखो। पहचानते हैं वो आपका बहन, नहीं पहचान रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं? हमको कुछ नहीं कहिएगा। हे माँ धरती, क्या तू मेरी बहन मेरी कैसे हमारे साथ करती है? मैं तुम्हें पुकारता हूँ माँ, तू सहाय होना। मैं अपना संदेश तुम्हें दूंगा, जिस दिन मैं जरूरत होगा उस दिन मैं तुमसे अवश्य मांगूंगा। आगे चला दे धरती। मैं अपना संदेश मैं तुम्हें देता हूँ, जिस दिन मुझे जरूरत होगा उस दिन मैं तुमसे अवश्य मांगूंगा। बहन कहाँ है? बहन बीरमा कहाँ है? वो तो अंदर है महल में है महाराज, उसी बुला लो। ठीक है मैं मलकिनी को बुला लो। आज कहाँ जावई अकिया जब भाल के आज पीरा मलई पहिरिया के भेल
अरे वहाँ पे आपके जो आए हुए हैं कौन आए हुए हैं? अरे आपके जो भाई लगते हैं फिर आए? हाँ फिर आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहा है? हाँ मलकिनी, वो तो माथा के दर्द मुझे बुझा रहा है। चलिए ठीक है, चलो उसका इलाज मैं कर दूंगी। बहन, अरे तुम कैसा थिएटर है, तुमको भोजन मिला तुमको चला जाना चाहिए, तो फिर दरवाजे पर चला है। तुमको जिंदगी में जिंदा रहना है कि नहीं रहना, इसे बोलो। बहन, तुम्हारे दरवाजे से मैं पांच मिनट भिक्षा न लूं तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। ऐसे तुम नहीं मानेगा पुजारा, तुमको अब जिंदगी से जान उठा हुआ है। इसको माया आई, ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर याद करेगा किसी बहन को दरवाजे पर गए थी जब मुझे साथ सलूक किया। दरबारी इसको धरो, इसको तो ऐसा मार मारूंगी आज की मरिए जाएगी। बोलो ना रे, इसको आज जिंदा रहना ही नहीं। हेलो, अरे हो बचाबा कुटबू रचो किया रे, आज तोर पर आई धन मारे जो किया। अरे मैं तो ऐसा धान कुटी हूँ ना, इसको तो प्राण निकल गया। निकल गया प्राण मलकिनी, ये तो मर गया होगा। देखो बात कहूँ, हाँ हमारा गांव में मलकिनी, हाँ देखो आदमी मर गया,
आदमी मर गया है जी। अच्छा वो आदमी जो मर गया है गाँव पड़ोसी के आदमी से गए देखे। अच्छा तो बेचारा के मर रही ना। हाँ से मुँह है खुलल मुरा फूल मुँह खुलल मुँह खुलल है आँख बंद रहे। अच्छा तब बेचारी से और महिला से कह की आह बेचारा के मुँह में है प्राण चल गया। अब कुछ दिन के बाद मलकिनी एक बार जो मर गया है तो ओकरा रहे मुँह बंद अच्छा आँख रहे खुलल। अच्छा बोला की आह बेचारा के आंखे में है प्राण चल गया। अच्छा एकरा देखियो मलकिनी जे मर रही है एकरा आंखो बंद है आ मुहो बंद है एकरा प्राण के में छुटले। अरे गोरमा प्राण निकला है ए गोरमा प्राण गई है। अब तुमको कहने के क्या विचार है अपने सच के देव के में प्राण गई है। ए मैं जा रही हूं ये मर गया है इसे लाश को फेंक दो। ठीक है कुटा लेकिन वो चेला हमारे पास वचनबद्ध हो चुका था। मेरा नाम है बाबा गुरु गोरखनाथ। हेलो आ चला Oh,
क्या नाम गुरु गोरखनाथ है? चेला चाहता है विपद पड़ेगा, बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम लेगा तुम्हें विजय रहेगा। चेला तुम धीरे धार करो, जो करे चाहे तुम्हें पीत पर निमक पारा पर निमक उसे रगड़ेगा, कुछ न होगा। चेला उसे पीछा दान लेके तब तू यहां पर जाना, चाहे टुकड़ा टुकड़ा न क्यों हो जाए। धीरे धारण करो, आहो मानी जा गई अनलियो हो गुरु जे, आहो तोहरो अब जानिया हो गुरु जे। कहा गया सब, इस तरवार से कोई नजर नहीं आता है। बहन बीरबा है कहा? वो तो जानकर घर ही में है, बुला के ले आओ। महाराज एक बात का है क्या, हमको हाजीपुर जाना था, हमको छुट्टी कर देते, हाजीपुर जाना है, बहुत जरूरी है, 7 बजे हमको वहां पहुंच जाना है। ठीक है तुम पहुंच जाना, कुछ ना रुको। ठीक है महारानी जी, क्या बात है द्वार पर? बाबा जिया फिर जिंदे? क्या बाबा जिया फिर जिंदा हो गया? अब मैं उसे क्या करूं? जाने ना छोड़े पर लागे दूरा के छोड़े के नाम ले लिया। मैं उसे और मार मारूंगी, अब ऐसा मार मारूंगी कि बुझो कि अब वो अब दोबारा जन्मो नहीं लेगा उसका। इसी में
ये भाग नहीं रहा है दरवाजे से, मैं क्या करूं, मुझे भी तंग हो चुकी हूं, इसे मैं आज करेजा पर मैं इसे नून दरड़ दूंगी, इसे मर मर जाएगा। ए दरबारी जाओ जल्दी से और एक बोरा नमक ले आओ, इसे आई करेजा पर नीमक दरर की से मार दूंगी, हाँ नीमक दरर के मार दूंगी, जाओ ना एक बोरा लेना, महंगा है तो क्या हुआ, जाओ एक बोरा लेके आओ। हाँ 100 ग्राम में कहता है वास उस चाटने से प्यास मुझता है। हेलो रामू जी, जा कहीं भी है कृपया नमक भेज दो। अरे बिजोर तो है, आई बिजोर के चक्कर में इसको जान जाएगा सीधे, इसको मालूम ही नहीं है। ए इसको अगर साथ तुम भी रहा तो तुमको भी जान ले लूंगी। ए सब तक की हो रहा था कौन, तू गो है घर, दो घर वाली तू गो, तो दू गो घर वाली का दू गो भता रहो। आए एक गो मर्दा पर दू गो, चलो ठीक है। आता कि मैं चला के मारू, जल्दी से जल्दी से आ। ए देख रहा है मुझे कितना परेशान कर रहा है, इसे तो मैं जिंदा जल जला दूंगी। हेलो पूरी फुरा गए पूरी अरे रगरी जब ते बहु ने जो किया अरे करे जवा पर अनु नमार जो किया अरे नहीं छोड़ बहु तोरो रे बनाया बचा जो किया
दरबारी सुनो, इसको प्राण निकल रहा है, देखो ठीक है। ए, इसको प्राण निकल चुका है, इसको जितना जल्दी होगा अनहरगारी इसको लेकर और जल्दी से फेंका इसको, अच्छा फेंकने का उन्हें मर जाएगा। राम राम साथ है मुर्दा जबरदस्त है, राम राम साथ है मुर्दा जबरदस्त है, तुमसे ना उठेगा, आग लगा दो, आग डोम लगा लो, हमरा से ना होता है, अपना डोम हथियार जा उठा के फेंक, हम जात कर दे दूसरा, हमरा से ना होत मलकिन, अरे उठा के फेंकना तो ना उठते हमरा से, जा फेंको, जा फेंको। आए नहीं होगा, छोड़ दो, ये अखियां हो ओ चल दी होता हो ओ चल माता याद जैसा गुरुजी, तो कुछ नहीं हो सकता है चेला, मैं क्या करूं गुरुजी? ये बहन बिरमा अपने हाथों पांच मुट्ठी भिक्षा देने से इनकार करती है, क्या करूं, कहां जाऊं,
जो ये बहन बिरमा हमें पांच मुट्ठी भिक्षा देगी, जहां जला प्राण जाएगा रहेगा, लेकिन उसे दरवाजा बार से पीछा लेके तुम जाना कहो। ठीक है गुरु जी, आपकी जैसा क्या मैं भीख भिक्षा अवश्य लेके आऊंगा, अब चिंता मत करे, ये गोपी चंद का वादा अवश्य पूरा होगा। यहां से मैं हमारे बचपन का दोस्त शंकर सिंह शंकरपुर में रहते हैं, मैं जाता हूं उनके पास और बहन बिरमा से अवश्य मैं भिक्षा लूंगा। हेलो आहो या जो देन आई राम ब्रिज आइए ना, अच्छा ला भाई हां भैया जे आहो दो सब आई अतुवारी आहो चला भाई के तू वरिया हो चल भाई चल के भाई हो दशहरा के आजू जय दुआर हो। और अमरीश भाई बाबू नहीं बाजा पर बैठू ना बाजा पर आबू ना।